और इस बाइक का नाम है Zontes ADV। वो यूरोपियन है लेकिन वो चाइना से मैन्युफैक्चर होके आता है। अच्छा हाँ भाई, इंडिया चलोगे? कितने यहाँ खुश हो रही हैं लड़कियाँ। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, इंस्टाग्राम स्टोरीज पर आप लोगों ने देखा होगा, अपन लोग नेपाल में हैं और यहाँ पे भाई दोबारा आए एक्सप्लोर करने। इस बार पोखरा भी जाएंगे, लास्ट टाइम हम सिर्फ काठमांडू तक गए थे। तो ये कुछ हमारा लाइनअप है। ये 10R जावेद भाई की जो मैं चलाने वाला हूँ पूरी नेपाल राइड में। ये सूरज भाई की S1000RR। और ये जो एक फैंसी सी बाइक देख रहे हो ना गाइज, ये मैंने पहली बार देखी है जिंदगी में। पहली चीज़ तो ये नेपाली नंबर है और इस बाइक का नाम है Zontes ADV। ज़रा मुझे कमेंट्स करके बताना इसका लुक आप लोगों को कैसा लगा। और जिसकी ये बाइक है मैं उनसे मिलवा देता हूँ, यहाँ के काफ़ी फेमस मोटो ब्लॉगर हैं ये। तो गाइज, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आप नेपाल के काफ़ी फेमस मोटो ब्लॉगर से आप लोगों को मिलवाएंगे, तो ये है। क्या हाल है राजकुमार भाई, कैसे हो? तो बढ़िया। हेलो, ये इनकी गर्लफ्रेंड अलीशा। तो सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, दोनों कपल हैं, बहुत बढ़िया, और दोनों बाइकर कपल है, दोनों बाइक चलाते हैं। कौन सी बाइक चलाते हो थावा भाई आप? मैं अभी Zontes चला रहा हूं। Zontes, जरा सा इंडियन पब्लिक को बताओ Zontes कौन सी बाइक है। वो यूरोपियन है लेकिन वो चाइना से मैन्युफैक्चर होके आता है। अच्छा, और अलीशा आप कौन सी बाइक चलाते हो? बाइक ही नहीं है, CBR 600 नहीं, बाइक है 390 है, हमारे पास Zontes है, CBR 600 है, एब्सोल्यूट एडिशन। अच्छा, तो मिल मिल के चला। अच्छा, ये क्या कुश्ती कर रहे हो चावलों के साथ, क्या बोलते हैं इसको? ये चावल है, वो थकाली सेट है। थकाली, हाँ, ये देखो लास्ट टाइम आए थे ना, ये पूरा यहाँ पे एकदम बेहतरीन लगा हुआ है। लेफ्ट हैंडेड। अच्छा, लेफ्ट हैंडेड हो आप। थापा भाई, फिर आपका आपने जिम्मा लिया है घुमाने का, है? काठमांडू कहाँ का लेके चलोगे? और ये देख रहे हो गाइस, भाई के पास अंधा पैसा, चेन देखो इसकी बहनिया 50 तोला। तो गाइस फाइनली निकल रहे हैं। प्लान ये था सुबह 10 बजे निकलेंगे, बट देखो भाई टाइम पता हूँ क्या हो रहा है, एक मिनट रुको, 4:17। वाह मेरी जान, फोटो देखो क्या सेक्सी लग रहा है। अब पता नहीं कब तक ही पहुँचेंगे। तो यहाँ सारा पैकअप हो चुका है, थापा भाई पीछे हैं। भाई कम से कम 5-6 घंटे का सफ़र है, कम से कम गूगल मैप्स पर दिखा रहा है 5 घंटे 17 मिनट। पूरा रास्ता पहाड़ वाला होगा जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। रीली मार के गीली कर देंगे। तो गाइस ज़रा चेक करो, ये है Zontes, चाइना का ब्रांड है ये। कैसी लग रही है, 350 cc की बाइक है। चले जी, तो एक बार जरा व्यू चेक करो गाइस, कितना जबरदस्त व्यू है भाई, फुल जंगल जंगल, नैनीताल जैसा रास्ता है और मौसम बहुत ही प्यारा, ठंडा हो रहा है भाई। थापा भाई कह रहे थे व्हीली दिखाओ, उनको व्हीली दिखा दी हमने। बाकी यहाँ पे कोई ऐसा रोड है नहीं कि व्हीली सही से हो जाए। तो भाई कमेंट करना ये व्यू कैसा लग रहा है। अब नेपाल के नैनीताल में गाइस इस टाइम। तो जरा इस बाइक की हेडलाइट चेक करो, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, आप लोग कमेंट करना आपको कैसी लगी। और ये देखो क्या खूबसूरत है, बहुत बढ़िया। और ये रोड ना थोड़ा अनइवन है भाई, तो इसमें बाइक टेढ़ी मेढ़ी जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और जा भी रही है। थापा भाई खुश हो जाएंगे एकदम व्हीली देख के, ये हमारे ब्लॉग्स देखते थे काफी टाइम से, तो बोल रहे थे HQ व्हील्स को बुलाओ, उनके साथ राइड करनी है, उनकी व्हीली देखनी है। तो आज हमने उनको व्हीली दिखा दी लाइव। तो गाइस जरा एक बार ये व्यू चेक करो भाई साहब, ये देखना कितना जबरदस्त लग रहा है। साल का पहला दिन, साल की पहली राइड, और अपन लोग नेपाल में, और कितनी क्रेजी राइड चल रही है,
फुल क्रूज कंट्रोल के मजे लिए जा रहे हैं। मौसम भी एकदम चीसू चीसू हो रहा है, जैसे जैसे रात पड़ रही है मौसम भी ठंडा हो रहा है। तो गाइस हम लोग काफी आगे चुके हैं, बाकी जो हमारा गैंग है वो पीछे है। और देखो यहाँ मुझे दोस्त मिले हैं, देखो कितने खूबसूरत है, ये देखो फुल फ्रेंडशिप, तुम लग रहे हैं वुल्फ वाइट कलर के। हाँ भाई चले इंडिया चलोगे? हाँ भाई चलना है यार, पहाड़ी कुत्ते अलग ही होते हैं, एकदम सॉफ्ट फ्लफी बॉल्स। अरे कहाँ रह गए लोंडे यार, तो बहुत स्लो चल रहे हैं भाई। चलो तुम लोग चलो बाइक पे बैठ जाओ, एक सूरज भाई के पीछे एक टेनार पे, ठीक है? डन 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 डन, अच्छा चलेगा, चलो 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 इंडिया चलो इंडिया चलो। नहीं काटना नहीं है भाई। तो गाइस देखो रात हो चुकी है और जरा वो व्यू चेक करो भाई, कितना खूबसूरत लग रहा है भाई। सनसेट हो चुका है पूरा, कुछ लोग हम ही लोग बचे हैं जो सबसे पीछे हैं। तो गाइस आधे रास्ते हम लोग कवर कर चुके हैं और भाई साहब यहाँ पे तो भयंकर रेस लग चुकी है भाई, सही बता रहा हूँ। एक है ये कौन सी बाइक थी है? मेरे आगे जो चल रही है नोर्टिस सिट्रोन, पता नहीं क्या है इसका नाम, जो 350 है, उसके आगे चल रही है सीएफ मोटो, उसके आगे बेनेली और सबसे आगे है 1000 RR। ये देखो भाई भयंकर रेस चल रही है भाई, फुल लीन गेम स्ट्रॉन्ग चल रहा है यहाँ पे। तो अभी मैंने वाइजर डाउन कर रखा है क्योंकि मुझे पत्थर लग रहे हैं इन बाइकों में से, देख रहे हो फुल ओवरटेकिंग चल रही है एकदम नेक्स्ट लेवल। और बेनेली ने 1000 RR ओवरटेक कर दी, क्या बात है। चलो जी अब हमारी बारी, ये जावेद भाई चला रहे हैं बेनेली और बढ़िया चला रहे हैं एकदम। अब देखो इसको मैं फिर आगे निकलने देता हूँ फिर दौड़ाऊंगा, चलो 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 चलो। अब देखो सब आगे निकल गए, अब फिर से पकड़ा जाए, चलो साहब। इस पावर के साथ पहाड़ों में चलाना बहुत रिस्की है, तुम देख रहे हो ये किनारे कितना इतना पास है, वो तो भाई एक्सपीरियंस है मेरे को, वरना कोई नया बंदा अगर ऐसे चलाए ना तो वो तो भाई साहब ऊपर वाले को प्यारा हो जाएगा, सही बता रहा हूँ। जावेद भाई को ओवरटेक मारते हैं, बाकी बेनेली 500 तो बहुत बढ़िया चला रहे हैं भाई साहब, कसम से मजा आ रहा है इनके साथ इनको चेस करने में। ऐसे ही नहीं कहते मुझे। जावेद भाई राजकुमार भाई बहुत बढ़िया चला रहे हैं, पूरी टक्कर दे रहे थे। जावेद भाई को तो मुश्किल हो रहा था पकड़ने में क्योंकि वो थोड़ा साइड नहीं दे रहे, जोश मार आते हैं ज्यादा ही, लेकिन फिर पता है ना तुम्हारे भाई की खिसकती है ना, आता माँ जी सटक ली, ऐसे ही कुछ डायलॉग है ना, फिर अपन लोग बावले हो जाते हैं, फिर समझ रहे हो ना। और बाकी रोड देखो रात में भी इतना प्यारा रोड है, ये मजा आ रहा है बाइक चलाने में भाई। और गाइस अपन लोग फाइनली पहुंच चुके हैं काठमांडू, साल की पहली राइड आज है 1 जनवरी, और देखो हम लोग हैं काठमांडू में, न्यू ईयर हम मना रहे हैं फुल इंटरनेशनल दूसरी कंट्री में भाई। देखो ये जिसने पहले के व्लॉग देख रखे होंगे उसमें भी कुछ ऐसा ही था, तो भाई बहुत बढ़िया लग रहा है वापस से काठमांडू आके, सोचा नहीं था कि दोबारा इतनी जल्दी आऊंगा, लेकिन भाई एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड जैसा कि हम लोग हमेशा बोलते हैं,
अब भाई यहाँ पे जाते हैं जल्दी से, होटल वोटल ढूंढते हैं, आराम करना है फिर कल का सीन। शायद हम लोग पोखरा निकले, पता नहीं होटल जाके डिसाइड करेंगे, वो तो काफी ज्यादा थके हुए गाइस। और सबसे बढ़िया बात, आज पुलिस वालों ने हमें नहीं रोका, मतलब रोका काफी जगह, रोका 4-5 जगह, मतलब ज्यादा बकचोदी नहीं हुई पुलिस वालों से, बढ़िया चलता है भाई यहाँ के पुलिस वाले। तो गाइस अपन लोग पहुंच गए थमेल काठमांडू, जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टे किया था, अभी भी वहीं जा रहे हैं। और यहाँ देख लो भाई साहब, ये समझ लो इस एरिया को दिल्ली के हौस खास जैसा एकदम, यहाँ पे माहौल ऐसे रहता है फुल पार्टी वाला। ये देखो कितने खुश हो रही हैं लड़कियों। देखो पब्लिक को देखो भाई कैसे देख रही है, फुल क्रेजी रिएक्शंस ये देखो। वाह देख रहे हो गाइस, ये देखो भाई फुल भौकाल मचा दिया है गाइस। देखो ये देखो रिएक्शंस चेक करो। तो गाइस फाइनली काठमांडू पहुंच गए, 1 घंटे से होटल ढूंढ रहे, तो देखो गैस करो अपन लोग फिर से उसी होटल में आ गए गास बास में। ये देखो भाई ये रूम चेक करो, 1 साथ 4 बंदे सोएंगे। हाँ भाई आजाद भाई जबरदस्त जिंदाबाद, बढ़िया लगा तुम्हें? ये वॉशरूम देखो फुल वीआईपी, इसकी बहन को नमन। अरे यार या, ये कैमरे के सामने करना भाई। तो ये हमारा रूम है, रात के लगभग 1:30 बज चुके हैं, काफी महंगा मिला बट कोई नहीं, वर्थ इट था, न्यू ईयर का टाइम है। तो भाई अब इस ब्लॉग को हम यही खत्म करेंगे, ज्यादा बकचोदी नहीं, काफी थक चुके हैं, खाना भी खा के सोएंगे। कल का पता नहीं क्या होगा, कल का कल देखी जाएगी। क्यों जावेद साहब, बिल्कुल सही बात है, अच्छा लगा आपको रूम, मजा आ गया भाई, बढ़िया आया। हम तो सोच रहे थे हमको नॉलेज है लेकिन बाद में मालूम चला आपको, हम भी आते रहते हैं नेपाल, ठीक है ना। तो इस व्लॉग को मैं यही खत्म करता हूँ, और जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया जाके फॉलो कर लेना भाई, ऐसी धांसो धांसो रील बनाई जा रही, क्या कर रहे हो तुम लोग, दिमाग पे पत्थर है क्या तुम्हारे, कर लो फॉलो, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।